बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद हुसैन, खालिद सब्जी वाला, एक बार फिर से कराची सब्जी मंडी की अपडेट के साथ हाजिर है भाई। 25 मार्च 2024 और पीर का दिन है, सुबह अभी 8:30 बज रहे हैं। मैं मंडी में थोड़ा लेट पहुँचा हूँ यार, आँख नहीं खुली थी तो मैंने कहा चले मंडी चले जाते हैं भाई, विजिट करके आ जाते हैं दोबारा से। सब्जियाँ तो बाबा इतनी सस्ती हैं, मैं आया हूँ थोड़ी देर पहले, घूमा है फिर है, मैंने रेट मालूम किए हैं। रेट वगैरह काफ़ी टच करने के बाद अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको बताता चलो, मैं खुद सब्जी वाला हूँ, सब्जी का काम करता हूँ, तकरीबन 17-18 साल का एक्सपीरियंस है और आपको अच्छी तरह से मैं गाइड कर सकता हूँ। तो इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, सब हर चीज़ सस्ती। मटर है तो मटर 50 रुपये किलो, धनिया पुदीना 3-3 रुपये गड्डी चली अभी आज तो, कल 5 रुपये गड्डी थी, आज धनिया और पुदीना 3 रुपये की गड्डी है। धनिया भी और पुदीना भी सिर्फ 3 रुपये की गड्डी यार, इतनी VIP ताज़ा फ्रेश धनिया देखें आप, धनिया तो देखें। ज़्यादा बोर नहीं करता मैं आपको, वीडियो मैंने शुरू कर दिया है और लाइक कर दिया करें यार, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सही है, लोग ही देखें, या जिसके पास बकरे हैं ना या गाय भैंस हैं, ये सीज़न है भाई पालने का, ठीक है। अगर जानवर है आपके पास आ सकते हैं, 20 रुपये किलो लौकी है सिर्फ, ये 15-20 रुपये किलो, ये वाली लौकी मोटी मोटी लौकी है तो जानवरों को खिलाने वाली, बहुत ज़्यादा लौकी है मोटे मोटे, या तो इसका हलवा बनाया जा सकता है। ये सिर्फ 20 रुपये किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। और मिर्ची पूछता हूँ, मिर्ची भाई मोटी वाली है जो 300 रुपये किलो बिक रही थी, ये भी 120 रुपये, 100 रुपये किलो हो गई। 120 रुपये किलो का रेट है आज, कल 100 रुपये किलो थी, आज 120 रुपये किलो है। तो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं रोज़ाना के मंडी के, ठीक है। बैंगन जो है 30 रुपये किलो, ये वाले 20 रुपये किलो में आपको मिल जाएंगे, उसमें थोड़ा कोई कोई दाना कीड़े वाला नज़र आ रहा है, ये 20 रुपये किलो मिल जाएंगे। करेला है तो करेला 50-60-50 रुपये किलो। शिमला मिर्ची सिर्फ महंगी है थोड़ी सी, 150-200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, ठीक है। बाकी मटर मैं आपको दिखा देता हूँ, मटर भी 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है व्यूअर्स, 50 रुपये किलो, सिर्फ 50 रुपये किलो मटर देखें आप, एक एक दाना भरा हुआ है, पक्की हुई मटर है सही है और फुल भरे हुई मटर है, 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी आपको मटर 50 रुपये। सब्जियाँ सारी तकरीबन सस्ती हैं भाई। तुरई देखें, तुरई जो है ना 120-130 रुपये किलो बिक रही थी रमज़ानों से पहले, आधे से भी आधे रेट बिल्कुल नीचे आ चुकी है भाई, 40 रुपये किलो। और लौकी 30 रुपये किलो, कोई पूछ नहीं रहा है सब्जी को भाई, पूछते हैं क्यों सस्ती हुई तो बोल रहे हैं सब हम समोसे पकौड़े खा रहे हैं, चाट वगैरह खा रहे हैं, इस वजह से सस्ती है। अच्छा करेला है तो करेला भी वैसे ही 50-60-50 रुपये किलो है। शिमला मिर्ची मैंने आपको पहले बता दिया 200 रुपये किलो। और बंद गोभी पूछता हूँ भाई से, हाँ भी बस बंद गोभी थोड़ी सी महंगी है भाई, बंद गोभी जो है ना महंगी है आज, 130 रुपये किलो बता रहे हैं मंडी में, क्योंकि बंद गोभी काम में आती है, रोल वगैरह में डलती है ना, हर चीज़ में जो चीज़ें काम में आती है ना रमज़ान वो महंगी होगी। बंद गोभी महंगी है, शिमला मिर्च थोड़ी सी महंगी है, ठीक है। और भिंडी भी थोड़ी सस्ती है, भिंडी भी कोई नहीं पूछ रहा है इतनी, भिंडी 100-110 रुपये किलो। और सब्जियाँ सारी सस्ती हैं, सब्जियाँ सारी सस्ती हैं, सिर्फ वो चीज़ें महंगी है जो समोसे पकौड़ों में काम आती है। तुरई वगैरह माशाल्लाह सारी सस्ती है भाई, तुरई सस्ती है, लौकी सस्ती है, हर चीज़। सब्जियाँ क्यों सस्ती होगी सेठ, क्यों सस्ती है बैठा हुआ आप बताओ ना। समोसे पकौड़े खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, समोसे पकौड़े खा रहे हैं। और ये आपको मैं बता दूं, मीठा कद्दू बंद गोभी जो है ना महंगी यार, बंद गोभी 130-140 भी बता रहे हैं कहीं में, ये मीठा कद्दू है, मीठा कद्दू सस्ता है। बंद गोभी इधर भी भाई के पास भी 130 रुपये किलो। ये वाली मटर कैसे दे रहे हैं, मटर 70 रुपये किलो, मटर इनके पास 70 रुपये किलो। हरी प्याज कैसे दे रहे हैं, 80 रुपये किलो, हरी प्याज भी सस्ती हो गई यार। हाँ अच्छा, ये मीठा कद्दू कैसे दे रहे हैं, 40 रुपये किलो। खीरा 50 रुपये किलो, खीरा 50 रुपये किलो, व्यूअर्स इनके पास 50 रुपये किलो। और मीठा कद्दू 40 रुपये किलो, खीरा 50 रुपये किलो, फार्म वाला खीरा, ये थैली में आता है 10-10 किलो की थैली होती है, 8 किलो 10 किलो। हरी प्याज मैं आपको दिखा दूँ, हरी प्याज भी इनके पास सही है, 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी भाई, साफ साफ करके रख रहे हैं। ये आपको 80 रुपये किलो मिल जाएगी। मटर थोड़ी इसके पास अच्छी वाली है, वो जो 50 रुपये किलो थी वो बहुत ज़्यादा हल्की मटर नज़र आ रही थी, ये थोड़ी हल्की अच्छी वाली मटर है, सूखी मटर है मतलब, तो ये 60 रुपये किलो तक भी दे देंगे अगर सारी तुलवाओगे तो। आप लोगों से भैया की दरखास्त है छोटी सी, वीडियो कम्प्लीट देखा करें, वीडियो एंड तक देखा करें आप लोग, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे यार, ईरानी प्याज भी मुझे आज नज़र आ रही है, ईरानी प्याज भी पूछूंगा भाई से, और दूसरी प्याज मुख्तलिफ भैया, ईरानी प्याज आ गया यार मार्केट में दोबारा, कल तक तो नज़र नहीं आ रहा था कहीं पे, अभी ईरानी प्याज भी आ गया, दूसरा प्याज भी है, पाकिस्तानी प्याज भी अपना, ठीक है। और मैं आप तो विवेश मैं आपको ये रेट बता दूं ईरानी प्याज की, ठीक है, 6,000 रुपये मन के हिसाब से बता रहे हैं, ये माशाखोर के रेट बता रहा हूँ, जो माशाखोर बैठे हैं ना इनके रेट बता रहा हूँ मैं आपको। ये वाली प्याज भी 6,000 रुपये मन दे रहे हैं, क्या करें। दूसरी वाली प्याज जो है ना 7-7.5 हज़ार रुपये मन है, दूसरी जो पाकिस्तानी प्याज है, पाकिस्तानी प्याज भी महंगा है भाई, 7,500 कोई 8,000 रुपये मन भी बता रहे हैं, मतलब ये है कि माशाखोरों के रेट हैं, ठीक है। और व्हाइट वाला आलू जो है ना 40-45 रुपये किलो दे रहे हैं,
वाइट वाला आलू 40-45 और लाल वाला आलू जो है ना, लाल आलू 50 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं। पाकिस्तानी प्याज 180-190 रुपए किलो खुली दे रहे हैं। ये लाल वाला आलू मैं आपको दिखा दूँ, चिप्स के लिए भी ये भी होता है लाल आलू, ये 50 रुपए किलो दे रहे हैं खुले, मतलब जो खुला यहाँ पे बेच रहे हैं। माशा करो रेट बता रहा हूँ, ये रानी प्याज रखा हुआ है बंद बोरी, पहले छोटे कट्टों में आते थे अभी बड़ी वाले बोरियों में आ रही है। सही है, ये रानी प्याज है बाहर से जो आती है। और आगे चल के देखते हैं सब्जी मंडी कराची में और कौन सी चीज़ें सस्ती, टमाटर वगैरह अदरक लहसुन हर चीज़ के रेट बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखना, इस वीडियो के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी दूसरे वाले चैनल पर जिसका नाम है खालिद सब्जी वाला, उस चैनल का नाम ही खालिद सब्जी वाला है, ठीक है। तो उस पर आएगी फ्रूट मंडी की वीडियो, ठीक है। फ्रूट मंडी की वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। टमाटर व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, टमाटर देखें ये वाले टमाटर भी, यही भी टमाटर 1000 रुपये की पेटी दे रहे हैं, 1100 की बता रहे हैं लेकिन तकरीबन 1000 रुपये तक दे देंगे। इसका वजन होता है 15 किलो से, ये 14 किलो टमाटर निकलता है इसमें, टमाटर 13-14 किलो, जहन में रखना कि 14 किलो टमाटर। बताते हैं इधर आपको 16-17 किलो है, 18 किलो भी बताएंगे लेकिन इसमें टमाटर 14 किलो से ज़्यादा नहीं निकलते, ठीक है। कोई पेटी वजनी हो जाए तो उसमें 15 किलो निकल जाता है, नहीं तो 14 किलो टमाटर होता है। और ये 1000 रुपये की पेटी है कराची सब्जी मंडी के अंदर, ये वाली 1000 रुपये की, ये भी 1000 रुपये की है टमाटर, ये भी अच्छा वाला है। अच्छा ये टोकरी वाले टमाटर जो है ना, ये 700 रुपये का दे रहे हैं, थोड़ा छोटा है साइज़ में लेकिन टमाटर सही है, ये भी ये 700 रुपये, ये टमाटर है 350 रुपये का दे दे फिर 10 पेटी अभी। यूट्यूब चैनल है भाई व्यूअर्स, ये मजाक कर रहा था, सही है मौलवी की आदत है मजाक करने की, ये खड़ा है सामने भाग रहा क्यों है, मैंने मांगा है, मैंने बोला दे 300 का दे सारा लगा दे, दे दे नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा ये 600-700 रुपये की पेटी बता रहे, ये वाली पेटी 1000 रुपये की है भाई, ये देखो वी आई पी टमाटर, वी आई पी टमाटर जबरदस्त लश पश टमाटर भाई भी है। टमाटर की मैंने आपको अपडेट बता दी, जो अच्छा वाला टमाटर है ना 1000 रुपए की पेटी से कम नहीं है, खुला टमाटर इधर मंडी के अंदर भी खुला टमाटर 100 रुपए किलो भी दिया जा रहा है, ये देखिए आपके सामने रखा हुआ टमाटर, ये भी वीआईपी कड़क टमाटर है, खुला टमाटर मंडी के अंदर भी 100 रुपए किलो बेच रहे हैं लोग। कैसे दे रहे वीआईपी टमाटर है, बड़ा बड़ा टमाटर, अच्छा वाला टमाटर लस बस। मिर्ची के मैं आपको रेट बताता हूँ, मोटी वाली मिर्ची भी है, मलिर वाली भी है भाई से ले, क्या हिसाब दे रहे हैं मलिर वाली क्या? मोटी मिर्ची 100 रुपए किलो है, छोटी वाली भी 100 रुपए किलो है, अदरक जो है 480 रुपए किलो है, चाइना लहसुन पाकिस्तानी जो है वो 400 रुपए किलो है, ओरिजिनल चाइना जो है वो 480 रुपए किलो, 550 रुपए किलो है, और छोटी लहसुन छिला हुआ 450 रुपए किलो है, छिला हुआ नीचे आ गया, नीचे आ गया बाजार सारा 600-650 रुपए चल रहा है अभी, सस्ता हो गया भाई, लूटो आवाम खाओ अभी भाई। अच्छा पहले शुरू के दिनों में आवाम भाई आड़ा होड़ी बाद में बाजार भाई हो जाता है, होता ही नहीं है बाजार, बाजार होता ही नहीं है, हमारी आवाम में सबर नहीं है, बस धड़ाधड़ माल, सबर नहीं है वाकई में, सही बात है। अच्छा ये नींबू किस तरह नींबू भी सस्ता हो गया, 450 रुपए का, अभी 350 रुपए किलो, 350 जमेरी जो है वो 250 रुपए किलो, 250 रुपए। अच्छा ये बताओ यार, कल मुझे बंदा बोल रहा था लालू खेत में 400 रुपए किलो अदरक है, मंडी में 450, ये क्या चक्कर है? 400 रुपए तो होल सेल जहाँ से आती है, कंटेनर आते हैं वहाँ पर भी 450-455 रुपए किलो आती है, जहाँ से होल सेल कंटेनर आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो अच्छा, पाकिस्तानी चाइना क्या किलो है? पाकिस्तानी चाइना 400 रुपए किलो, देसी 400 रुपए किलो, देसी 400 रुपए, पाकिस्तानी चाइना भी 400 रुपए। मिर्ची वगैरह मैं आपको दिखा दूँ, इनकी दुकान भी दिखा दूँ, तो नंबर है ये देखें, छिला वाला लहसुन भी सस्ता हो चुका है 450 रुपए किलो, ठीक है। अदरक जो है ना, अदरक 450-460 रुपए किलो के हिसाब से, मिर्ची 400 वाला 100 रुपए किलो, 400 वाला सिर्फ 100 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, ये भाई इनके सामने नंबर भी नजर आ रहे हैं, देखें ठीक है, आप आ सकते हैं मंडी में, तो ये आप सामने नंबर भी नजर आ रहे हैं। मोटी वाली मिर्ची भी 100 रुपए किलो, मलिर वाली मिर्ची भी 100 रुपए किलो, ये भाई बिल्कुल शुरू मंडी के शुरू होते ही में बैठे हुए हैं, ठीक है। और आगे चल के देखते हैं और सब्जी मंडी कराची में और क्या क्या चीज़ें सस्ती हैं, वीडियो एंड तक देखा करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है भाई। पालक 25 रुपए किलो, हल्की वाली पालक है, सही है, हल्की वाली पालक है 25 रुपए किलो, अच्छी वाली तकरीबन 30-35 हो गई, अगर ये हल्की वाली 25 बिक रही है। मेथी जो है ना, मेथी 50-60 रुपए किलो है मेथी, धनिया वनिया सस्ता है भाई, 2-3 रुपए गड्डी है, ये हल्का वाला धनिया, अच्छा वाला धनिया जो है ना 3-4 रुपए की गड्डी, ठीक है, ये थोड़ा हल्का वाला है, मंडी का रोजाना का रेट होता है, कल 5 रुपए गड्डी थी, आज 3 रुपए की गड्डी है। सरसों का साग भी रखा हुआ है भाई, 40-30-40 रुपए किलो होगा, जिसके पास बकरे वकरे हैं माल है भाई, वो पालने का टाइम, ये अच्छा है, घास से सस्ता तो ये सब्जी बिक रही है भाई, घास से भी सस्ती, घास लेने जाएंगे तो वो भी 50-60 रुपए किलो मिलेगी आपको। ये होती है जमेरी, वो नींबू था, ये जमेरी है, नींबू भी मैंने आपको तकरीबन वहाँ पे नहीं दिखाया था ना यार, नींबू भी दिखा दो, ये ओरिजिनल नींबू है भाई, ये 350 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे हैं, और जमेरी जो है ना, जमेरी 250 रुपए किलो, ये कैसे दे रहा है ये नींबू भाई, ये इनकी शॉप ही है, यहाँ पर बैठे होते सी है,
रेट वही सेम है। वैसे मैं आपको चीज़ दिखा रहा था, ये वाला जो है ना नींबू, ये देसी नींबू है ठीक है, वो जमेरी है 250 रुपये किलो। ये वाला नींबू असल ओरिजिनल नींबू जो है ना 350 रुपये किलो है, अदरक 450। भिंडी विंडी भी कोई पूछने वाला नहीं है, भिंडी भी काफ़ी सस्ती है। रमज़ान है, रमज़ान की वजह से ना सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई। देखें लौकी, देखें माशाल्लाह काफ़ी लगी, ढेर लगी पड़ी है। तुरई होगी, लौकी होगी, गोल वाली लौकी भी बहुत ज़्यादा है, तुरई भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें लंबी वाली लौकी कितनी ढेर लगी पड़ी है। अगर कोई आए तो भाई जानवर वाला लेके जा सकते हैं, 20-25 रुपए, 20 रुपए किलो आपको इजीली मिल जाएगी लौकी। देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहने का मकसद ये है कि भाई ये जानवर भी खा सकते हैं, आराम से पल सकते हैं, आपके बकरे वगैरह हों या गाय वगैरह हों आपके पास, तो 20 रुपए किलो में बुरी नहीं है। चारा लेने जाओ 40-50 रुपए किलो तो चारा मिलता है भाई। मिर्ची ये वाली अच्छी वाली होती, तेज़ वाली मिर्ची भाई, ये मिर्ची भी 100-120 रुपए तक आ गए तकरीबन। जो 300 रुपए किलो थी ना, अभी 120 रुपए किलो बिक रही है। काली वाली जो है ना वो 100 रुपए किलो बिक रही है, काली से ज़्यादा। इसमें और इसमें देखो फर्क है दोनों में। बैंगन है तो बैंगन कोई पूछने वाली नहीं, 20-25 रुपए, 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बैंगन भी काफ़ी सस्ते हैं। चुकंदर थोड़ा सा महंगा है भाई, चुकंदर जो है ना 100 रुपए किलो के हिसाब से बड़ा वाला है, छोटा वाला चुकंदर जो है ना ये चूरा चुकंदर है 50-50 रुपए किलो। ये पापड़ी कहते हैं इसको, पापड़ी से ये सैंपल ही होती है चौड़ी वाली, इसको पापड़ी कहते हैं। ये भी 40-50 रुपए किलो पे आ गया अभी, 40 रुपए किलो। सिर्फ टिंडा जो है ना देसी वाला टिंडा, ये वाला महंगा है 150 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में, ये देसी टिंडा ओरिजिनल देसी। इसकी कच्चे की निशानी होती है भाई, इसके ऊपर हल्के हल्के से बाल होते हैं ऊपर ठीक है। ये आपको कोई यूट्यूबर भी नहीं बताएगा, कोई मतलब ये है कि जो सब्ज़ी वाला है जिस तरह से खाली सब्ज़ी वाला बताता है ना, कोई भी नहीं बताएगा भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करें ठीक है। दूसरी वाली, ये वाली सेम है भाई, ये वाली भी 50-60 रुपए किलो, ये सेम है। ये पापड़ी, ये जो चौड़ी वाली सेम है, वो दूसरी वाली सेम है। ककड़ी भी है इनके पास, ककड़ी की भी मैंने रेट पता किया, तो ककड़ी भी 60-70 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है ककड़ी। देखें आप, और ये गोल वाली लोग देखें बेहतरीन लोग। क्या था भैया? 50 कमांडो बैंगन वेबर्स 50 रुपए किलो है। बैंगन देखिए आप, ये वाले भी है, वो वाले भी, दोनों किस्म के बैंगन, दोनों 50 रुपए किलो। ये वाला भी 50 रुपए किलो। कौन सा? तो व्यूअर्स जिसको पता नहीं था, जो तोलने वाले हैं ना इनका नौकर है, मुलाजिम है ठीक है, बोल रहे भाई 30 रुपए किलो है ये, 30 रुपए किलो ठीक है, 30 रुपए किलो दोनों, हरे वाला भी ये वाला भी। ये तोलने वाला होता है इनको पता नहीं होता, सेठ ये बैठा हुआ सामने, उसने भाई ने बताया 30 रुपए किलो। तो किसी को पता नहीं होता ना भाई, वो तोलने वाला उसका काम ही सिर्फ तोलना ठीक है, नौकर है वो मुलाजिम है, उसको पता नहीं था इस चीज़ का। कन्फर्म रेट जो है मैं पता करता हूँ दोबारा फिर भी, क्योंकि मुझे डाउट होता है ना फिर दोबारा मैं पूछ लेता हूँ। जैसे ये सामने भाई बैठा मैंने पूछा है तो उन्होंने बोला 30 रुपए किलो भाई, 30 रुपए किलो। मैंने बोला सही है भाई। भुट्टा भी नज़र आ गया व्यूअर्स, भुट्टा एक जगह पर रखा हुआ है और इनके पास ताज़ा भुट्टा आया हुआ है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ताज़ा, थोड़ा कच्चा कच्चा सा लग रहा है, तोतों को खिलाने के लायक है ये। 50-60 रुपए किलो भी, 60 रुपए किलो बता रहे हैं, 60 रुपए किलो के हिसाब से ठीक है। बाकी सब्ज़ी तो आपको पता है सारी सस्ती है, खीरा वीरा सस्ता है, धनिया पुदीना 100 रुपए, 40 भाई, 100 रुपए, 40 ढाई रुपए की गट्ठी पड़ रही है भाई, 100 रुपए का 40 गट्ठी, 100 रुपए की 40 गट्ठी भी, और बताओ ढाई रुपए गट्ठी, ढाई रुपए की गट्ठी, उनको पता चल गया 100 रुपए 40, 100 रुपए 40, अनाड़ी नहीं है ठीक ठाक है, मजे में यार भाई से। बस थोड़ा सा इंटरव्यू लेता हूँ, वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ ठीक है, फिर मुझे आप इजाजत देना, क्योंकि मैं दोबारा पूछ रहा हूँ अदरक लहसुन का, मैं रेट पूछ कर आया हूँ, लेकिन दोबारा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक भाई बोल रहा था ना कि लालू खेत में 400 रुपए किलो अदरक चली। सलाम अलैकुम भाई, क्या वालेकुम सलाम, खालिद भाई कैसे हो? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, आप सुना? बस अल्लाह का। ये कैसे दर है अदरक यार? भैया अदरक है 480 रुपए किलो है, 70 रुपए, 70-60 का दे देते, 460-70 रुपए। छिला वाला सन? छिला वाला सन 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो ठीक हो गया। अच्छा चाइना मोटा वाला देसी दोनों बता दे। चाइना मोटा वाला एक है 400 रुपए किलो, ओरिजिनल चाइना है 550 ओरिजिनल चाइना जी, और देसी लहसुन मोटा वाला 350 रुपए किलो, 350 रुपए किलो ठीक हो गया। ये छोटा वाला? छोटा वाला 300 रुपए किलो। जमेरी क्या किलो चलाइए? जमेरी आज 250 रुपए किलो, जमेरी 250 रुपए किलो चलाइए भाई ने। ये देखो ये लहसुन है, छिला वाला लहसुन भी है और ये दूसरा वाला लहसुन है छोटा वाला, जमेरी 250 रुपए चलाइए, खत्म हो गया जमेरी ठीक है। अदरक जो भाई बोल रहे हैं ना कि लालू खेत में 400 होता है भाई, ये हम 460-450 रुपए किलो, मैंने वीडियो पॉज भी नहीं की थी वहीं से मैं आया और मैंने डायरेक्ट किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, जा रहे हैं खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, आबाद रहें खुश रहें, और मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।